इसे एनकोड के प्राइस पता कितना हो गया, 200 रुपए टुकड़ा। भाई देख, ये देख रहे हो ना भाई कितनी बुरी तरीके से आ रहा है भाई बादल ऊपर की ओर। गाइस आप मुझे देख के लोग आऊंगा क्या लग रहा है यार ये भाई, अभी अभी ये रेनकोट लिया है मैंने यार ये, क्योंकि मेरे बैग में दिक्कत हो रही थी यार, कहीं भीग ना जाता सामान सारा उसी में है यार मेरे कपड़े वपड़े। पर ये रेनकोट ना सोनप्रयाग में सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा था और थोड़ा सा 6 किलोमीटर ऊपर आया ना, तो इस रेनकोट का प्राइस पता कितना हो गया, 200 रुपए दुगना। तो इसका प्राइस ना दुगना हो गया भाई, अभी यहाँ से 9 किलोमीटर और रह गए चढ़ाई भाई, और वेदर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई कुछ भी, और बारिश लगातार होती जा रही है यार। यहाँ पे 5-10 मिनट रुके हैं, जहाँ हमने मैगी बनाई थी वहाँ से हम करीबन 1 या 1.25 किलोमीटर ऊपर आए होंगे, उसके बाद ही बारिश होना चालू हो गई यार। और दुकान वाले भैया से जिससे रेनकोट लिया था ना मैंने उससे पूछा था कि भाई कितनी और ऊपर बारिश होगी क्या, ऊपर चढ़ाई कैसी है, तो उन्होंने बोल रहा भाई वो तो कि ऊपर तो बारिश बहुत है भाई और नीचे का तो भाई ऐसा हिसाब किताब है यार। यहाँ पर अभी चलते हैं यार ऊपर, यार ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। तो भाई अभी हम लोग कोई जगह आ गए हैं यार, उसका पता नहीं यार, तो वहाँ से अभी रह गया है 6-6.5 किलोमीटर रह गया है केदारनाथ बाबा का धाम, और भाई ऑलमोस्ट हमने 9 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है, और भाई इतना बुरी तरीके से टाइट हो रखा हूँ मैं यार, हद से ज़्यादा है यार। यहाँ से भी गुड्डे वाले भाई पता कितने रुपए मांग रहे हैं, यहाँ से 1000-1200 रुपये मांग रहे हैं, जबकि नीचे से वो रिकुंड से आपको देने थे 1500 रुपये के समथिंग, और यहाँ से भी वही रुपये मांग रहे हैं। फिर फ़ायदा ही क्या हुआ ना हमारा देने का, मतलब कि घोड़े यहाँ से लेंगे और वहाँ से लेने का फ़ायदा क्या हुआ यार 300 रुपये के चक्कर में। तो अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है यार भाई, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार व्यू में, ठीक है। तो भाई अभी रह गया है यहाँ से 6 किलोमीटर केदारनाथ का धाम, मतलब कि जो मंदिर है ना वो एक्चुअल में यहाँ से अब 6 किलोमीटर रह गया है। वादियाँ सारी खुल गई है भाई, हल्की हल्की खुल रही है, और मौसम क्लीन होता जा रहा है भाई, पीछे भी देख रहे हो ना क्लीन होता जा रहा है मौसम, ठीक है यार। 6 घंटे करीबन 4-6 किलोमीटर का हमें कम से कम 4 घंटे तो लगने वाले हैं यार, बिल्कुल टायर्ड हो गया मेरा तो, बैठते ही ना पैर भी सुन्न हो जा रहा है यार, ब्लड सर्कुलेशन चलने में लग रहा है मेरे को, दिक्कत हो रही है, तो यार रुकने में भी दिक्कत हो रही है। और ये रेनकोट पहन रखा है ना, बार बार रुक भी नहीं सकते यार, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि रेनकोट उतारो फिर बैग चढ़ाओ, बहुत मुश्किल से तो इसके अंदर बैग गया है मेरा यार, परेशान हो गया भाई यार। घोड़े पे भी यार बहुत किराया है घोड़े का यार, वरना घोड़े पे बैठ जाता मैं तो, घोड़े का यार किराया यूँ मान लो आप, यहाँ से भी ना 6 किलोमीटर रह गया, यहाँ से भी आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 200 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे आपको। और आपको कुछ और आपको ना मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ कैसा है अभी, भाई देख ये देख रहे हो ना भाई कितनी बुरी तरीके से आ रहा है भाई बादल ऊपर की ओर भाई, और ये ऊपर जाके केदारनाथ धाम पे जाएगा, नीचे से आ रहा होगा कम से कम, ये आ रहा होगा गौरीकुंड से आ रहा होगा भाई, और ये देख रहे हो अभी कितनी तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है यार ये, और अभी अभी हमें ये सारे सीढ़ी स्टेप चढ़ चढ़ के ऊपर जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, हमें खुद नहीं पता चल रहा भाई कहाँ जाना है। और इधर एक हल्का सा वाटरफॉल है भाई, और वादियाँ तो अच्छी लग रही हैं, मगर यार चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार, बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो ना कितना बढ़िया व्यू है भाई। भाई धुंध आ ली पीछे से पूरी, जो मैं आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले वो पूरी आ चुकी है भाई, और इधर भी एक वाटरफॉल मिल गया भाई, ना करीबन अभी तक 30 वाटरफॉल तो देख चुका हूँ यार अभी तक, और आगे पता नहीं कितने देखने पड़ेंगे, ठीक है यार चलते रहते। अब भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, अभी हम लोग आ चुके हैं लिंचोली, और लिंचोली से केदारनाथ रह जाएगा 4 किलोमीटर, जिसमें से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और 2 किलोमीटर प्लेन एरिया है जहाँ से मंदिर दिखने लगता है। तो भाई यहाँ से 4 किलोमीटर के अभी भी ना
घोड़े वाले कितने रुपए मांग रहे हैं? 1000 रुपए। और भाई टोटल डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, उसके 1500 रुपए। तो ये बात भाई समझ में नहीं आ रही है मेरे यार। यहाँ तो ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने यार अच्छा नहीं कर रखा है यार। ये तो कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, ऐसे तो यार सब लुटते रहेंगे यार। मतलब नहीं बन रहा भाई ये सब करने का यार, इट्स नॉट फेयर यार मेरे हिसाब से। बाकी आपका जो जैसा हो, आप जैसा बताओ यार, आपने अगर तक, आप लोग भी बताओ यार कैसा रहना चाहिए और कैसा नहीं कमेंट सेक्शन में। और भाई इधर देख रहा है ये वॉशरूम बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, केदार श्री केदारनाथ यात्रा 2022 में काफ़ी सारे ये ज़रूरी आपके लिए जो जो करना है उसके लिए बना बता दिया गया है। 2 गज की दूरी करनी है आपको, डोंट ट्रैवल इफ़ यू री एक्सपेंसिंग वॉच फीवर एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग। यदि खांसी बुखार व सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो रहा तो यहाँ यात्रा ना करें। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और फिर आप आगे ट्रैवल ना करें। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का वापस गौरीकुंड उसी दिन 32 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है और ये 1700 रुपये लेंगे भाई। यार यार बहुत महंगा है यार, बहुत ज़्यादा महंगा है यार। फोटो मेंशन करता हूँ मैं अभी यही स्क्रीन पे फोटो मेंशन करता हूँ कैसा है यहाँ पे। तो भाई अभी कैसा सिस्टम चल रहा है यार, सामने महेंद्रम है ना, देख रहे हैं उसको अभी है ना यार। मेरे खच्चर वाले से लड़ाई हुई है, खच्चर वाले साले चूतिया बनाते हैं यार, बहुत ज़्यादा चूतिया बनाते हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर रह गए, 1200 रुपये मांग रहे हैं, और 4 किलोमीटर में भी ना 2 किलोमीटर बाद घोड़े आना बंद हो जाएंगे। प्लेन एरिया है ना, वहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है, अगर वेदर अच्छा रहता है तो मंदिर भी दिखने लगता है। तो वहाँ से भी, वहाँ 2 किलोमीटर मंदिर से पहले छोड़ देंगे, सिर्फ 2 किलोमीटर के 1200 रुपये मांग रहे हैं, यानी 600 रुपये किलोमीटर यार। ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार, ये तो चूतिया बनाया जा रहा है यार सर। यार ऐसा नहीं करना चाहिए भाई यार, यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए यार क्या करें क्या ना करें यार। और घोड़े वाले तो यार इतने अकड़ू हैं ना साले, इतने अकड़ू हैं, मेरे 4-5 बार लड़ाई हो चुकी है। एक बार तो यार उससे मारपीट भी होने लगी यार मेरी, यार बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत ज़्यादा यार। और भाई अभी तक मैं ना 12 किलोमीटर का ट्रैवल कर चुका हूँ, यानी कि ट्रैक कर चुका हूँ। और इस 12 किलोमीटर में इतने हाई एल्टीट्यूड पर मेरे को लिनचोली में ही सिर्फ पुलिस चौकी दिखी है भाई। 12 किलोमीटर तक कोई पुलिस नहीं है, कोई गार्ड नहीं है भाई। ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, पता होना चाहिए कि यार रेनी फॉल चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए यार जगह जगह यार, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है यार तो दुकान वाले थोड़ा लेके जाएंगे यार। तो ये भी करना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। हमें बेस कैंप ना दिखने लगा है पीछे, अगर हल्की फुल्की लाइट दिख रही हो तो भाई बेस कैंप है, वहीं पे हमें जाना है भाई। और ग्लेशियर भी दिखने लगा यार हमें, तो ठीक है यार। अभी यहाँ से, अभी जहाँ पराठे खा रहा था ना मैंने नाश्ता किया यार, तो वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि अभी अराउंड आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे अगर आप सही से चलोगे तो, और आराम से चलोगे तो 2.5 से 3 घंटे। तो भाई देखते हैं यार, चलते रहेंगे भाई। अब तो बस भोले बाबा का नाम लेके ना बस चलते रहना है यार, चलते रहना है यार, कुछ नहीं करना अब तो। पेट पूजा कर लिए पूरी, क्लाउड हद से ज़्यादा आ गया है और मैं हाफ पैंट पहना हूँ यार, और मेरे को ठंड लगने लगी है अब तो, जल्दी से मेरे को पहुँचना है यार। भाई अभी ग्लेशियर वाले ब्रिज पे आ गया हूँ, ये है ग्लेशियर वाला ब्रिज, और ये जो पीछे देख रहा हूँ वाइट वाइट यही है ग्लेशियर भाई। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, अराउंड आधा या 1 किलोमीटर की समथिंग, उसके बाद सारा प्लेन एरिया है यार। तो और भाई लाइट जल गई, और महादेव तो भाई लाइट जल गई है, और बस जल्दी से पहुँच जाना है। खराब हो लिया भाई हालत, भाई ऐसे नहीं बुलाते हैं किसी को बाबा, और जब बुलाते हैं ना तो पूरी तैयारी से भेजते हैं यार। मेरा भी मैंने आपको बताया था कि 3 साल से प्लान बन रहा था यहाँ पे आने का, बट फाइनली आज मैं पहुँच रहा हूँ। अभी भी पहुँचा नहीं हूँ यार, बहुत जल्दी से पहुँच जाऊँ। हर हर शंभू भाई, फाइनली ना बाबा का धाम मुझे दिख गया यार, आफ्टर 11 आवर्स, और 1 घंटा और लगेगा मेरे को अभी।
पूरे 12 घंटे बाद मैं बाबा के धाम पहुंच पाऊंगा यार। भाई आप लोगों को भी मंदिर देखना है क्या? जिस तरीके से मैं थकाऊंगा यार, उस तरीके से थोड़ा आप भी थक लो यार, उसके बाद ही दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला, मैं अभी आपको दिखा दूंगा यार सारा कुछ। ओके, तो भाई फाइनली केदारनाथ बाबा के जो प्रवेश द्वार है उस पर आ चुका हूँ भाई। और ये है भाई केदारनाथ बाबा का प्रवेश द्वार, और ये जो आप टेंट से देख रहे हैं लगा हुआ, इसमें क्या है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने आपको इस वीडियो में चढ़ाई करने से पहले आपको बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया है ऑलरेडी, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई यार। मेरे को बस खाली उन्होंने मेरा को वो जो बैंड सा दिया था ना, इसका फ़ोटो भी आपने देख लिया होगा, वही उसने स्कैन किया और एक पर्ची दे दी। वो भी मैं आपको रूम में जाके दिखाऊंगा किस तरीके की पर्ची दी थी भाई। बाकी केदारनाथ बाबा के पास भाई ये यहाँ लिखा होगा साफ साफ, ये साफ साफ लिखा है केदारनाथ बाबा धाम, जय बाबा केदारनाथ जी, श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली भाई केदारनाथ धाम में हम लोग एंटर हो गए हैं, और भाई बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा यार। जब आप लोग आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितनी चढ़ाई है और कितना लगता है टाइम यार, बहुत ज़्यादा। अब तो बस जल्दी से मैं रूम ले लूँगा, पहले अगर बाबा के पास घूम के आ जाऊँगा। आरती तो हो गई भाई बंद, हम हो गए लेट, और हमको पता चलते हुए कितना टाइम हो गया। थोड़ी देर वेट करो, होटल में जाने दो मेरे को, फिर मैं आपको बताऊँगा कितना टाइम हो गया मेरे को चलते हुए भाई। फिलहाल टाइम तो मेरे को बहुत सारा हो गया है चलते हुए। अभी चलते हैं हम, रूम लेते हैं, उसके पापा के दर्शन कराते हैं, उसके बाद सोएंगे और आपको डिटेल बताएंगे कैसे कैसे आना है और कैसे कैसे नहीं आना, और कैसे कैसे आपको आना पड़ेगा, और कैसे कैसे क्या क्या परेशानी उठानी पड़ेंगी, और बीच में खाना कितने का है, पराठा कितने का है, मैगी कितने की, सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अभी थोड़ी देर। भाई फाइनली मैं आ गया ना यहाँ पे केदारनाथ बाबा के धाम पे, और मंदिर देखना है क्या आपको? लो देख ही लो यार, फाइनली ये रहा बाबा का मंदिर। बाबा का मंदिर अभी फिलहाल तो बंद हो गया है यार, आपको नहीं दिखा सकता अच्छे से, मगर हाँ वादा करता हूँ सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग दिखाऊंगा बाबा का मंदिर यार अच्छे से वो भी। तो भाई अभी तक का सफ़र बहुत कठिन है यार, बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं रूम में चलता हूँ, जल्दी से कोई रूम लेता हूँ। बाबा यार आखिरकार 3 साल बाद आपने बुला ही लिया यार मेरे को, दाने वाने पता नहीं क्या क्या निकल रहे हैं यार मेरे तो यार, ठंड में हालत ख़राब हो गई है भाई मेरी। अभी जल्दी से रूम देखता हूँ, उसके बाद जल्दी से आपको बताना भी है कैसे यहाँ पे आना है, ठीक है? तो अभी मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, मैंने दर्शन करा ही दिए बाबा के, उसके बाद मिलता हूँ अभी आप में आपको रूम में। तो रूम तक का वेट कर लो यार बस थोड़ा सा बस।